हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, जो भी कैंडिडेट्स जो है HPPSC कॉलेज कैडर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो है MA पॉलिटिकल साइंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस इस वर्ष होना निर्धारित हुआ है, और साथ में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉल साइंस का जो एंट्रेंस टेस्ट 2022 में कंडक्ट किया जाएगा, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका पहला लेक्चर आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको समझना होगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है, हु इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर न्यू मार्क्सिज्म। तो प्रश्न पूछा गया है कि जो नव मार्क्सवाद है, जो न्यू मार्क्सियन है, उनका प्रेरणा स्रोत, उनके लिए इंस्पिरेशन कौन सा नहीं है। आपके पास मार्क्स दिए हैं, जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है यंग मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है आपके पास हीगल, तीसरा है रूसो और चौथा है स्टालिन। तो जो इसका सही आंसर है वो है स्टालिन। तो जो स्टालिन थे वो जो नव मार्क्सवाद है इसके लिए जो है प्रेरणा स्रोत नहीं है, क्योंकि स्टालिन खुद जो है मार्क्स को फॉलो करते हैं, और जो न्यू मार्क्सिज्म विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स के विचारों से जो है प्रेरित होकर न्यू मार्क्सिस्ट ने इसको आगे बढ़ाया है। तो इसका आंसर जो है चार होगा, स्टालिन। जो दूसरा प्रश्न है ये पूछा गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, दूसरा प्रश्न पूछा गया है द बेस ऑफ सिटीजनशिप इज एज पर एरिस्टोटल। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अधिकार आधार क्या है। तो अरस्तु ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप दिया उसका जो आधार, जो मेन आधार था वो था लेजर। तो इसका सही आंसर जो है दो है, अवकाश जो है अरस्तु की नागरिकता का मुख्य आधार था। तो जो है इसका सही आंसर जो रहेगा वो दो रहेगा, अवकाश। जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट थिंकर सपोर्टेड द प्लेटोनिक आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्लेटो ने, जिनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, इन्होंने जो आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी दिया उस विचार का समर्थन जो है इन विचारकों में से कौन सा करता है। निम्नांकित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो की संपत्ति संबंधी विचार का जो है समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। तो ये है रॉबर्ट ओन। रॉबर्ट ओन ने जो है प्लेटो के जो आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी था उसको जो है सपोर्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने बताया थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को, उसको सपोर्ट किया है। और कार्ल पॉपर का जो इम्पॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो है पीस मील सोशल इंजीनियरिंग, और कार्ल मार्क्स इनको तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते ही है। तो यहाँ पर जो है तीसरे का सही आंसर जो है वो नंबर एक है। चौथा प्रश्न पूछा गया है मैकेवेली डिड नॉट डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म लाइक हॉब्स, हु सेड इट। मैकेवेली ने हॉब्स के समान जो राजनीतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा वो विचारक है जिसने ये कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेवाइन। सेवाइन ने कहा है कि मैकेवेली ने हॉब्स के समान जो है राजनीतिक जो निरंकुशता का सिद्धांत है वो विकसित नहीं किया, क्योंकि हॉब्स ने जो है एब्सोल्यूट सोवरन जो का कॉन्सेप्ट दिया कि जो राजा होगा उसके पास ही सारी की सारी शक्तियां होगी। इसके अलावा जो मैकेवेली है, मैकेवेली द प्रिंस की बात करते हैं, जिसमें वो कुछ एक जो है लेज़र भी जो है देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न नंबर पाँच जो पूछा गया है वो है, इन ए स्टेट देयर आर टू टाइप ऑफ सोवरनिटी, नॉट वन, वन ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड ऑफ पीपल, अमंग द फॉलोइंग हुक्स कंसिडर दिस थॉट। तो प्रश्न पूछा गया है कि एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती है, एक सरकार की और दूसरी जनता की। तो नीचे दिए गए थिंकर में से कौन सा थिंकर इस विचार को प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर है लॉक, क्योंकि लॉक जो जिस प्रकार का वो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, उसमें वो दो प्रकार की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक जो है सरकार और दूसरी जनता, क्योंकि जनता जो है अपनी
इच्छा से जो है सरकार को चुनती है, तो ये लॉक का विचार है। इसका सही आंसर जो है यहाँ पर दो रहेगा। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है, ये पूछा गया कि हु हैज डिस्क्राइब्ड द जेएस मिल एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। जेएस मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जेएस मिल जो है ये उपयोगितावादी जो सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में, इसके ये प्रवर्तक रहे हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत की ये मुख्य प्रवर्तक है। तो जेएस मिल को जिसने असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कहा वो है सी एल वेफर जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। इन्होंने जो है जे एस मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में, एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट के रूप में जो है परिभाषित किया है। अगला जो प्रश्न है वो है फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशंस मार्क्स अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ। प्रश्न है मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन है वहाँ से जो मार्क्स ने आइडिया ड्राइव किया वो है भारी परिवर्तन का विचार, क्योंकि जब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी उसने जो है एक जो है रेडिकल चेंज लाया था सोसाइटी में, एक कंप्लीट चेंज लाया था। तो जो रेडिकल चेंज का आइडिया है जो एक सोशल इकोनॉमिक सेटअप को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, वही भारी परिवर्तन का विचार जो है कार्ल मार्क्स ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किया था। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, इन विच बुक गांधी हैज डिस्क्राइब्ड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सैटेनिक सिविलाइजेशन। तो प्रश्न है कि गांधी ने अपनी कौन सी पुस्तक में जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको जो है शैतानी सभ्यता कहा है। तो इसका सही आंसर है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी महात्मा गांधी ने 1908 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जो है इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को जो है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको जो है शैतानी सभ्यता कहा है। तो इसका सही आंसर जो है 3 है। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया है वह, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ वैल्यू लेडन अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें जो है मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक कौन सा विद्वान करता है। पॉलिटिकल साइंस में मेनली जो 3 टाइप की थ्योरीज है, ट्रेडिशनल, बिहेवियरल और मॉडर्न, उनमें जो वैल्यू लेडन, जो वैल्यूज़ की बात करते हैं कि जो है वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप समाज में कोई भी जो है सोशल रिसर्च कर रही हो, तो राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का जो समर्थक है वो यहाँ पर जो है लियो स्ट्रॉस है। लियो स्ट्रॉस जो है ये जो है इसके समर्थक है। 10 नंबर प्रश्न है, हु डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरी एज ए प्योर साइंस। किस विद्वान ने राजनीतिक शास्त्र को, सॉरी प्योर साइंस नहीं क्योर साइंस, एक जो है उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो जिन विद्वान ने पॉलिटिकल थ्योरी को एक उपचारात्मक विज्ञान, एक क्योर साइंस के रूप में परिभाषित किया वो थे अल्फ्रेड कोबान। अल्फ्रेड कोबान ने जो है पॉलिटिकल साइंस को एक क्योर साइंस के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 11 जो है वो पूछा गया है कि आइडियोलॉजी विच डज नॉट एक्सेप्ट द 3 राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इज। तो वो विचारधारा जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को स्वीकार नहीं करती है कि व्यक्ति के पास ना तो जीवन का अधिकार होना चाहिए ना स्वतंत्रता और संपत्ति का, तो ये विचारधारा है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बट नॉट सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। तो न्याय की सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी गई है, न्याय की सिद्धांत के संदर्भ में आपने बताना है कि निम्न में से कौन दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिमान करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं। तो जो सपोर्ट नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो है जो थ्योरी ऑफ जस्टिस के जो है प्रणेता है, ये कहते हैं कि जो है थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड जो है
प्रिंसिपल की एंटाइटलमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। तो 12 का आंसर जो है दो रहेगा। प्रश्न नंबर 13 जो है ये पूछा गया है कि नॉट मैच्ड विद लेनिन आइडिया ऑन रेवोल्यूशन। नीचे आपको कुछ एक लेनिन के आइडियाज़ दिए गए हैं रेवोल्यूशन के ऊपर जो उन्होंने विचार दिए, कि तो लेनिन के विचारों से कौन सा मैच नहीं करता है। तो इसमें जो सही आंसर है, वैसे तो आपको बहुत सारे आइडिया दिए हैं, जैसे नेतृत्व के बिना क्रांति चिरस्थायी नहीं हो सकती, क्रांति के लिए व्यावसायिक क्रांतिकारी ज़रूरी है, केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है, और लोगों का समूह जो है स्वाभाविक रूप से संघर्ष की ओर जो है खींचा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता है वो है तीसरा पॉइंट, जो कहते हैं कि केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए जो है सक्षम है। ऐसा उनका नहीं मानना है, उनका मानना है कि सभी लोग जो है क्रांति के लिए सक्षम हैं, ओनली द वर्किंग क्लास इज़ कैपेबल फॉर रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं है। ये विचार जो है लेनिन के आइडिया ऑन रेवोल्यूशन से मैच नहीं करता है। 14 नंबर का जो प्रश्न पूछा है, प्रोपाउंडर ऑफ द ग्रुप थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इज, राजनीति का जो समूहवादी सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है। तो ये है आर्थर वेंटली, इन्होंने जो है ग्रुप थ्योरी जो है दी है पॉलिटिक्स में, ग्रुप थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो है आर्थर वेंटली के द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, हु इज़ रिलेटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन, निरंतर क्रांति के सिद्धांत से संबंधित कौन सा विद्वान है। तो 15 का आंसर जो है तीन है, माओ ज़ेडोंग भी इनको कहा जाता है, माओ ज़ेडोंग। ये जो है आधुनिक चीन के इनको जो है फादर माना जाता है, और चीन में जो कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए उसका फादर भी माओ ज़ेडोंग को माना जाता है, और ये परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो 15 का आंसर जो है तीन सही है, निरंतर क्रांति और जो परमानेंट रेवोल्यूशन है उसके फादर जो है माओ ज़ेडोंग है। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया है वो पूछा गया कि हु कंसीडर्स रेवोल्यूशन एज ए मोटिवेशनल फोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इनमें से कौन से सिद्धांत ने क्रांति को इतिहास का प्रेरक बल माना है या मानता है। हु कंसीडर रेवोल्यूशन एज ए मोटिवेशनल फोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है इनकी जो है जो मेन फोकस है ये इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करते हैं, ये इतिहास की जो है भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप इतिहास के किसी भी कालखंड को देखेंगे तो आपको जो है हमेशा दो वर्ग मिलेंगे, एक वर्ग जो है शोषण करने वाला और दूसरा जो है शोषक। तो इस तरीके से ये जो है इतिहास की जो है भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, कि अगर आप एनिशेंट में देखेंगे, मेडिवल में देखेंगे, तो मॉडर्न में देखेंगे, जैसे मॉडर्न में ये जो दो वर्ग बताते हैं, एक जो है स्लेव है, मेडिवल में जो है स्लेव और जो है मास्टर, और मॉडर्न में जो है एक तरफ मजदूर है और दूसरी तरफ जो है कैपिटलिस्ट है। तो 16 का आंसर जो है सी आपके पास रहेगा। 17 नंबर जो प्रश्न है वो है, अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी थ्योरी रूट कॉज बिहाइंड द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो आपने बताना है कि जो पराश्रितता सिद्धांत है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, जिसमें आपके पास आंद्रे गुनर फ्रैंक है, आपके पास सामीर अमीन है, बहुत सारे विचारक है, तो इस पराश्रितता सिद्धांत के अनुसार जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बहुत सारे देश आते हैं, इनको जो है टर्म क्वाइन की जाती है थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में जो है आपके पास यूएसए और यूएसएसआर आता था, और सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, ये एक जियोग्राफिकल जो है कॉनोटेशन है। तो इनके अनुसार, पराश्रितता सिद्धांत के अनुसार, तीसरी दुनिया के देशों का जो अल्प विकास का मूल कारण है इन थ्योरिस्ट के अनुसार, वो है इनका सामाजिक और आर्थिक विकास जो है बाहरी शक्तियों के नियंत्रण से हो रहा है। अर्थात इनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल, क्योंकि जिस प्रकार से डिपेंडेंसी थ्योरी के जो प्रवर्तक है उनका मानना है कि इंपीरियलिज्म के दौर में, साम्राज्यवाद के दौर में, इन बड़ी बड़ी जो है पावरफुल ताकत ने, चाहे वो आपके पास जो है यूके हो, चाहे वो दूसरी पावरफुल ताकत हो, इन्होंने इन तीसरे विश्व के देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भारत को देख सकते हैं, लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो
इनकी आज भी निर्भरता है। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर आज भी ये देश स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये इकोनॉमिक तौर पर जो अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इन एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये बताते हैं IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जब जो है तीसरे विश्व के देश IMF और वर्ल्ड बैंक में जाकर जो है एड्स लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एड्स हो, तो उसके बदले जो है इनके सामने बहुत सारी ऐसी कंडीशन रखी जाती है कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस तरीके से बनाओ ताकि इन देशों को फ़ायदा हो, ऐसा इनका मानना है थ्योरिस्ट का। तो प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया है, वो पूछा है कि जो लक्षण अध्यक्षात्मक सरकार के लिए तो आवश्यक है परंतु संसाधनात्मक जो है संसाधनात्मक सरकार के लिए नहीं, दोज करेक्टरिस्टिक विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट एसेंशियली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें समझना ये है कि जो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्रेजिडेंट है वो रियल एग्जेक्टिव है, उसके पास सारी की सारी पावर्स उसी में हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कहीं पर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे भारत में है, जहाँ पर जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, वास्तव में उसकी शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री करता है। और उदाहरण अगर इंग्लैंड का देखें तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री और रानी है, अर्थात वहाँ पर जो रानी है वो जो है रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वास्तव में रानी की शक्तियों का प्रयोग वहाँ पर प्रधानमंत्री करता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो अध्यक्षात्मक सरकार के लिए बहुत आवश्यक है परंतु संसाधनात्मक जो संसदीय सरकार है उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो 18 का जो सही आंसर है वो है कार्यपालिका की निश्चित अवधि, डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है अध्यक्षात्मक सरकार के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आप USA को देखेंगे तो USA जो है अध्यक्षात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट की टर्म है वो 5 वर्ष के लिए फिक्स की गई होती है। 5 वर्ष से पहले प्रेसिडेंट को आप सिर्फ महाभियोग से, इम्पीचमेंट से ही हटा सकते हैं, तो ये इसकी जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न नंबर 19 है, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जेक्टिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो जो संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ पर जो है विधानपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कलेक्टिव रूप से संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है। तो ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, एक जो है इंडिविजुअल तौर पर, और एक पूछा जाता है कि कलेक्टिव तौर पर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और एक पूछा जाता है कि इंडिविजुअल तौर पर किसके प्रति है। तो जो कलेक्टिव तौर पर कार्यपालिका जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है वो रहती है निम्न सदन के प्रति, जो निम्न सदन है वो है हाउस ऑफ जो है पीपल, जिसको लोकसभा कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है एग्जेक्टिव है वो जो है लोअर हाउस के प्रति जो है क्या रहती है, वो उत्तरदायी रहती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, तो व्यक्तिगत तौर पर ये जो है प्रेसिडेंट के प्रति जो है उत्तरदायी रहते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का अंतिम जो प्रश्न है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो नीचे आपको कुछ एक सिद्धांतकार और उनके कॉन्सेप्ट का जो है पेयर्स दिया गया है, आपने जो है सही जो पेयर है उसको मैच करना है। तो सबसे पहले आपके पास जैसे दिया है आलमंड एंड पावेल, और इनका कॉन्सेप्ट दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, और दूसरा जो है आपके पास दिया है RC मैक्रेडिस कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी ए वर्ल्ड व्यू, तीसरा है सिडनी वर्वा द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और चौथा दिया है ईस्टर्न द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आलमंड एंड पावेल, जो करेक्ट पेयर है आलमंड और पावेल की जो रचना है, कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच की ये बात करते हैं। अगर सिडनी वर्वा जो है पॉलिटिकल साइंस में ये कल्चर थ्योरी के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, और डेविड ईस्टन जो है व्यवहारवादी क्रांति के इनको फादर माना जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस में 1940s से जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन आती है। तो थैंक यू वेरी मच, यदि आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।